मैं आकाश, अभी सेकंड टाइप जो है वो क्या है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का है। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन द बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड टुगेदर फ्रेम्स। ठीक है, बिट स्ट्रीम जो है वो कंबाइन कर दे रहे हैं। कितने बिट का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बिट का एक डेटा यूनिट है, फिर दूसरा डेटा यूनिट, तीसरा डेटा यूनिट। तो ऐसे जितने भी डेटा यूनिट्स है उन सबको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, यानी डेटा यूनिट्स का हम ग्रुप बनाते हैं। पहले हम क्या करते थे, ऊपर वाले सिस्टम में क्या था, बिट स्ट्रीम जो थी उसका हम ग्रुप बनाते थे तो डेटा यूनिट बनता था। अभी डेटा यूनिट्स के हम ग्रुप बना रहे हैं, तो उस डेटा यूनिट का जो ग्रुप बनेगा उसको क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। डेटा यूनिट का जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो वो एक फ्रेम बड़ी बनाते हैं और वो फ्रेम क्या होती है, ट्रांसमिट होती है सेंडर से रिसीवर तक। तो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन द बिट स्ट्रीम इज कंबाइंड इनटू लॉन्गर फ्रेम्स। बिट स्ट्रीम जो है वो 8-8 बिट के छोटे छोटे हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक बड़ी फ्रेम बनाते हैं, विच में कंटेन मल्टीपल बाइट्स, विच में कंटेन मल्टीपल बाइट्स। ईच बाइट हाउएवर इज इंट्रोड्यूस ऑन टू द ट्रांसमिशन लिंक विदाउट गैप बिटवीन इट एंड द नेक्स्ट वन। ठीक है, हर बाइट जो है वो क्या है, दूसरे बाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई गैप नहीं है। पहले वाले में देखो, 2 बाइट के बीच में, 2 डेटा यूनिट के बीच में क्या रहता था, गैप रहता था, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। ईच बाइट हाउएवर इज इंट्रोड्यूस ऑन द ट्रांसमिशन लिंक विदाउट गैप बिटवीन इट एंड द नेक्स्ट वन। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। इट इज लेफ्ट टू द रिसीवर टू सेपरेट द बिट स्ट्रीम इनटू बाइट्स फॉर डिकोडिंग पर्पस। वो रिसीवर के ऊपर है कि वो सेपरेट करता है कि नहीं करता है डिकोडिंग के लिए। ठीक है, इट इज लेफ्ट टू द रिसीवर टू सेपरेट द बिट स्ट्रीम इनटू बाइट फॉर डिकोडिंग पर्पस। इन अदर वर्ड्स, डेटा आर ट्रांसमिटेड एज एन अनब्रोकन स्ट्रीम। डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, उसकी जो स्ट्रिंग जो थी डेटा की, उसको हम ब्रोक नहीं कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, अनब्रोकन स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो। अब देखो, ये 8 बिट का डेटा है, एक डेटा यूनिट बन गया। अब दूसरा डेटा यूनिट उसके साथ डायरेक्टली ज्वाइंट है, ना स्टार्ट बिट है ना स्टॉप बिट है। ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा जो है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, अनब्रोकन स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरो, एंड द रिसीवर सेपरेट्स दैट स्ट्रिंग इनटू द बाइट्स। रिसीवर उस स्ट्रिंग को क्या करेगा, अलग अलग 8-8 बिट के बाइट में सेपरेट करेगा, और कैरेक्टर इट नीड्स टू रिकंस्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन। रिकंस्ट्रक्ट यानी इंफॉर्मेशन को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, ये जो फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस की जो अनब्रोकन स्ट्रिंग है उसको 8-8 बिट में ग्रुप करने का काम कौन करेगा, रिसीवर करेगा। तो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड बिट्स वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स और गैप्स। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। असिंक्रोनस के अंदर स्टार्ट बिट था, स्टॉप बिट था और 2 डेटा यूनिट के बीच में गैप था। सिंक्रोनस के अंदर ना ही स्टार्ट बिट है, ना ही स्टॉप बिट है और ना ही 2 डेटा यूनिट के बीच में गैप। एक डेटा यूनिट दूसरे डेटा यूनिट के बाद डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू ग्रुप द बिट्स। 8-8 बिट का डेटा यूनिट बनाना, ग्रुपिंग करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसीवर की। सब काम किसके ऊपर दे दिए, रिसीवर को दे दिए। ठीक है, फिगर इज गिव द, उसका डायग्राम है। ठीक है, वी हैव ड्रॉन द डिवीजन बिट। ठीक है, इन रियलिटी दोज डिवीजन डू नॉट एग्जिस्ट। द सेंडर पुट्स इट्स डेटा ऑन टू द लाइन्स एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग। सेंडर क्या करता है, डायरेक्टली जितना डेटा है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर रख देता है। ठीक है, कोई भी डिवीजन होता नहीं है यहाँ पर, डेटा यूनिट का ना ही फ्रेम का। इफ द सेंडर विशेस टू सेंड डेटा इन अ सेपरेट बस्ट, द गैप्स बिटवीन बस्ट मस्ट बी फिल्ड विद अ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट मींस आइडियल। ठीक है, अब ये जो एक फ्रेम बनी, ये दूसरी फ्रेम बनी, तीसरी फ्रेम बनी, इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होंगे, कंटिन्यूस ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो वो फ्रेम्स के बीच में जो गैप है, यानी ये जो एक फ्रेम बन गई ना, यानी नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस, ये फ्रेम के अंदर क्या है, नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस है, तो इसको क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बस्ट। कहां पे गया वो वर्ड, ये। इफ द सेंडर विशेस टू सेंड डेटा इन अ सेपरेट बस, द गैप बिटवीन द बस मस्ट बी, अगर वो एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के बीच में गैप रखना चाहता है तो वो गैप के बदले भी वो क्या करेगा, खाली जगह नहीं रहेगी वहां पर, वो गैप में भी वो क्या भेजेगा, नंबर ऑफ जीरोस भेजेगा और नंबर ऑफ वंस भेजेगा।
ठीक है, वो इसके लिए भेजेगा ताकि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांसमिशन लिंक है उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेक ना हो जाए, वो कनेक्शन हमेशा एस्टेब्लिश रहे, ठीक है, वो लिंक जो है वो फेल ना हो जाए, ठीक है। जैसा अभी हम इंटरनेट का लॉगिन वाला जो हमारा इंटरनेट रहता है उसमें हम बहुत टाइम तक लॉगिन नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो लॉग आउट कर देता है ऑटोमेटिक, जैसा बैंक का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो वो सब एप्लीकेशन में क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक आइडियल कनेक्शन एस्टेब्लिश करके नहीं रखता है, यानी फेक डेटा वो अपनी तरफ से भेजता नहीं है। कभी भी यूजर कोई भी सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और एक्सेस उसने लॉग इन कर लिया, उसके बाद वो कोई कमांड नहीं दे रहा है, कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा, कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही रख दिया है उसने, तो थोड़े टाइम तक वो लिंक को एस्टेब्लिश रखने के लिए फेक डेटा जाता है, ठीक है। फेक डेटा मतलब उसको एक आइडियल डेटा बोलते हैं, जो सिर्फ ये करता है कि भाई हमारी कोई डेटा ना भेजने से हमारी लिंक जो है वो डिसकनेक्ट ना हो जाए, उसको कनेक्टेड रखने के, मगर वो पर्टिकुलर टाइम तक होता है, उसके बाद वो लिंक जो है वो क्या हो जाती है, हट जाती है, उस सिस्टम से आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हो, लॉग आउट हो जाते हो, ठीक है। द रिसीवर काउंट्स द बिट एज दे अराइव एंड ग्रुप्स देम इनटू 8 यूनिट। रिसीवर जो ट्रांसमीटर फ्रेम वाइज जो डेटा भेज रहा है वो फ्रेम से वो डेटा रिसीव करते रहता है और उसको 8 8 बिट का यूनिट बनाता है। कौन करता है ये, रिसीवर करता है, ठीक है। विदाउट गैप एंड स्टार्ट, विदाउट गैप्स एंड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, देयर इज नो बिल्ट इन मैकेनिज्म टू हेल्प द रिसीविंग डिवाइस एडजस्ट इट्स बिट सिंक्रोनाइजेशन मिड टर्म, ठीक है। विदाउट गैप यानी एक डेटा यूनिट और दूसरे डेटा यूनिट के बीच में गैप भी नहीं है, स्टार्ट और स्टॉप बिट भी नहीं है, तो देयर इज अ नो बिल्ट इन मैकेनिज्म टू हेल्प द रिसीविंग डिवाइस एडजस्ट इट्स बिट्स, ठीक है। रिसीवर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो किस तरीके से 8 8 बिट का ग्रुपिंग करेगा। द टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर ग्रुपिंग और 8 8 बिट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा, तो सब खेल जो है वो किसके ऊपर है, टाइमिंग के ऊपर है। टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द रिसीविंग डिवाइस टू कीप एन एक्यूरेट काउंट ऑफ बिट्स एज दे कम इन, ठीक है। सब जो खेल है वो रिसीवर के टाइमिंग के ऊपर है, जैसे ही फ्रेम रिसीवर के पास आएगी उसका काउंटर स्टार्ट होगा, कौन से टाइम पे कौन सा बिट आया है, तो वहां से वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का डेटा यूनिट स्टार्ट अलग कर दिया, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का डेटा यूनिट सेपरेट कर दिया, तो सब जो है वो एक फ्रेम जो है कौन से टाइम पे रिसीव हुई उसके अंदर कितने बिट आए उसमें से वो 8 8 बिट का ग्रुपिंग रिसीवर करते रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर डिवाइस टू कीप एन एक्यूरेट काउंट ऑफ द बिट्स एज दे कम इन, ठीक है। जैसे जैसे बिट्स जो है वो रिसीवर पे रिसीव हो रहे हैं तो उसका काउंटिंग बराबर रखना एक्यूरेसी के साथ परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर, ये सब रिसीवर की एबिलिटी के ऊपर मायने रखता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज इट हैज हाई स्पीड कंपेयर टू द सिंक्रोनस, सिंक्रोनस के असिंक सॉरी इट हैज हाई स्पीड कंपेयर टू द असिंक्रोनस, असिंक्रोनस के कंपेयर में सिंक्रोनस की स्पीड जो है वो ज्यादा है। इट इज मोर यूजफुल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन सच एज अ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से हाई स्पीड एप्लीकेशन है, हाई स्पीड एप्लीकेशन मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजना। वी नीड टू एम्फेसाइज वन पॉइंट हियर, ऑल्दो देयर इज अ नो गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स इन अ सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन देयर मे बी अ अनइवन गैप बिटवीन फ्रेम्स, फ्रेम्स के बीच में अनइवन गैप हो सकता है मगर एक डेटा यूनिट और दूसरे डेटा यूनिट के बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा। अब ऊपर वाला जो है असिंक्रोनस, असिंक्रोनस में क्या हो रहा था, यहाँ पर ये मेरा डेटा यूनिट था, ठीक है, मेरा एक्चुअल डेटा तो यही है 8 बिट का, उसमें हर 8 बिट के पीछे मेरे 2 बिट एक्स्ट्रा जा रहे थे, हर 8 बिट के बीच में मेरे 2 बिट जो है वो एक्स्ट्रा जा रहे थे, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, सिर्फ उनका काम था कि रिसीवर को अलर्ट करना कि अभी पैकेट स्टार्ट हो रहा है, और स्टॉप बिट का काम था कि रिसीवर को अलर्ट करना कि अभी डेटा यूनिट जो है वो क्या हो गया है, एंड हो गया, ठीक है। तो अब ये 2 8 बिट के पीछे 2 बिट मेरे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो ये मेरा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये 2 बिट जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरा बैंडविड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। अगर ये 2 बिट के बदले मेरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाती थी तो मेरा डेटा जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसके लिए असिंक्रोनस के कंपेयर में सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बिट निकल गया तो उतना मेरा बैंडविड्थ बच गया, तो वो स्टार्ट और स्टॉप बिट के बदले मेरा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाएगा तो मेरा डेटा रेट क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जैसा कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद तीसरा टाइप, ये छोटा सा ही है, इसक्रोनस। इन अ रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो इन विच अन इवन डिलेज बिटवीन फ्रेम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। रियल टाइम्स ऑडियो वीडियो जो सिस्टम जो रहता है, जैसे मैंने इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट फाइव ब्लॉक्स जो थे, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज, प्रोटोकॉल, तो उस टाइम पे भी हमने देखे थे, एग्जाम्पल में उसने दिया था कि भाई रियल टाइम ऑडियो वीडियो जो सिक्वेंस में होता है, वही सिक्वेंस में वो वापस क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस होना चाहिए। मैंने आपको क्रिकेट का एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो वीडियो और ऑडियो में डिले आ गया, एक बॉल पे उसने चौका मारा और नेक्स्ट बॉल पे वो बोल्ड हो गया, तो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वो चौका मार रहा है, ठीक है, और कॉमेंट्री आ रही है कि वो बोल्ड हो गया, मतलब ऑडियो फास्ट चल रहा है, वीडियो लेट चल रहा है। तो ऐसा रियल टाइम में तो जरा भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। रियल टाइम में तो एकदम परफेक्ट ऑडियो वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो इन रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो इन विच अनइवन डिलेज बिटवीन फ्रेम्स आर नॉट नॉट एक्सेप्टेबल, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन फेल्स। यहाँ पर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ये वाले केस में, ठीक है, रियल टाइम वाले केस में। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है, टीवी इमेज आर ब्रॉडकास्टेड एट द रेट ऑफ 30 इमेज पर सेकेंड, दे मस्ट बी व्यूड एट द सेम रेट, 30 इमेज पर सेकेंड। यानी जो हम देखे थे ना इंटरलेक स्कैनिंग CEL कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टीवी वाले केस में, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड आर क्या था वहां पर, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड आर यूज टू मेंटेन द परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मेंटेन करने के लिए 24 फ्रेम्स पर सेकेंड आर नॉर्मली सफिशियंट, मगर टीवी के अंदर एक एक्स्ट्रा रखते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो भाई ये वाले सिस्टम में कितने फ्रेम्स का उसने एग्जांपल दिया कि भाई 30 इमेज पर सेकेंड जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है एक इमेज को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो दे मस्ट बी व्यू एट द सेम रेट। अगर ट्रांसमीटर साइड में 30 इमेज पर सेकेंड का वो स्कैनिंग कर रहा है, तो उसी परसिस्टेंस ऑफ विजन के साथ वो रिसीवर पे भी 30 इमेज पर सेकेंड दिखना चाहिए। इफ ईच इमेज इज सेंट बाय यूजिंग अ वन और मोर फ्रेम्स, देयर शुड बी अ नो डिले बिटवीन द फ्रेम्स। अगर एक इमेज जो है वो एक या एक दो फ्रेम में भेजी जा रही है, तो उन फ्रेम के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप रहा तो क्या होगा, वीडियो इमेज जो है वो बराबर नहीं दिखेगा। फॉर दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कैरेक्टर्स इज नॉट इनफ, द एंटायर स्ट्रीम ऑफ बिट्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंक्रोनाइजेशन होना काफी नहीं होता है, वहां पर एंटायर स्ट्रीम जो है यानी पूरी की पूरी फ्रेम्स के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो इसक्रोनस ट्रांसमिशन गारंटीज दैट द डेटा अराइव एट अ फिक्स रेट। इसक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है कि भाई डेटा अराइवल जो है वो क्या होगा, आपका बराबर फिक्स रेट पर होगा, वही टाइम पे होगा, कोई भी फ्रेम जो है वो अपने टाइम से नहीं चुकेगी। तो ये इसक्रोनस जो है वो मोस्टली कहाँ पर यूज होता है, रियल टाइम ऑडियो वीडियो वाली एप्लीकेशन में यूज होता है, जहाँ पर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और यू कैन से फ्रेम्स। असिंक्रोनस के अंदर वो क्या होता है, डेटा इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ बाइट, यानी 8 बिट में इसके या तो एज अ कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर का डेटा सेंड होता है या तो बाइट का डेटा सेंड होता है। सेंडर एंड रिसीवर यूजेस द सेम क्लॉक सिग्नल, ठीक है, डज नॉट नीड क्लॉक। असिंक्रोनस में तो क्लॉक की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइमिंग का कुछ लेना देना नहीं। इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द असिंक्रोनस ट्रांसमिशन टू ट्रांसफर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज इन दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर एडेड विद डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बिट जो एड होता है, तो वो एक्चुअल मेरा जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसके बदले 2 बिट मुझे और एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, जो मेरे लिए ज्यादा कुछ काम के नहीं है। रिसीवर उसको सेपरेट कर देगा, मेरा एक्चुअल डेटा उसमें से वो ले लेगा, तो मेरा बैंडविड्थ यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा वेस्ट हो रहा है, 2-2 बिट का, हर 8 बिट के पीछे मेरा 2 बिट का बैंडविड्थ क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये लेस एफिशियंट है, इसके लिए ये जो है लेस एफिशियंट है और ये मोर एफिशियंट है, समझ में आ रही है बात। आप बोलेंगे यहाँ पर मोर एफिशियंट, ये लेस एफिशियंट, तो मोर एफिशियंट क्यों है, लेस एफिशियंट क्यों है, वो समझना ज्यादा जरूरी रहता है। तो ये ज्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप बिट की जरूरत नहीं है, तो उसके बदले मेरा 2 बिट जो है वो ओरिजिनल डेटा जाएगा। तो मेरा 4 पैकेट में भेजूंगा, तो यहाँ पे मैं 4 पैकेट भेजूंगा,
तो हर एक डेटा यूनिट में 2 बिट एक्स्ट्रा है, तो 4 दूनी 8 बिट मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहा है हर हर 4 पैकेट के पीछे। यहाँ पे मैं 4 डेटा यूनिट भेजूंगा 8 8 यूनिट का, तो उसमें मेरे पूरे के पूरे 8 4 32 32 बिट जो है वो मेरे क्या है, पूरा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जा रही है। और यहाँ पे मैं 4 डेटा यूनिट भेजूंगा तो 32 बिट में से 2 4 6 8 बिट तो जो है वो स्टार्ट और स्टॉप बिट में चले जाएंगे, मतलब एक्चुअल डेटा कितना जाएगा 24 बिट ही जाएगा, 8 बिट तो मेरे वेस्ट ही है। ठीक है, तो ये लेस एफिशिएंट है क्योंकि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इसमें कम जा रही है, इसमें ज्यादा जा रही है। इसके लिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज अ फास्ट, ये स्लो है, ठीक है, असिंक्रोनस स्लो है। इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्स्टेंट, टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी एक फ्रेम हमने भेजे या एक डेटा यूनिट भेजे, उसके बाद फौरन बाद दूसरा डेटा यूनिट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो क्या रहेगा, रेंडम रहेगा। एक हमने डेटा यूनिट भेजे फिर दूसरा कब आएगा पता नहीं है, जैसा कंप्यूटर के कीबोर्ड और सीपीयू का एग्जाम्पल लिया गया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट डायग्राम, रिफर डायग्राम, डायग्राम को ड्रॉ करके भी आप कंपैरिजन में डाल सकते हो। कितने, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट जो है वो कंपैरिजन के।